गंगाबाई घाट के पास नशे की हालत में एक शराबी ने दूसरे शराबी पर कुल्हाड़ी से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल जख्मी को मेओ में भर्ती किया गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत आईपीसी 307 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। नागपुर के गंगाबाई घाट में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुल्हाड़ी से मारने की घटना सामने आई है। हमलावर हिंगना रोड पंचशील नगर निवासी रूपचंद चंद्रवंशी है और जख्मी पंकज गुड़िंदे है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और गंगाबाई परिसर में रोज सुबह शाम बैठकर शराब पिया करते थे। घटना के दिन भी दोनों शराब पी रहे थे, तभी दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। तब पंकज ने रूपचंद को गाली गलौज की, जिससे रूपचंद को गुस्सा आया और गुस्से में कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियार से पंकज के सर और अन्य जगह पर वार किया। जख्मी फिलहाल बेहोशी की हालत में मेयो अस्पताल में भर्ती है, किंतु उसकी मां सुनीता गुड़िंदे ने इस मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस स्टेशन में की है। घटना का पता चलते ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और आईपीसी धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी रूपचंद को गिरफ्तार किया। सकाळी 8 वाजता आम्हाला कंट्रोल मार्फत माहिती मिळाली होती की गंगाबाई घाट स्मशानभूमी शेजारी एक व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला कुऱ्हाडीने डोक्यात मारहाण केली आहे। त्याबाबत आम्ही तात्काळ पोलीस स्टाफसह तिथे गेलो। तिथे गेल्यानंतर जो मारहाण करणारा व्यक्ती आहे, कुऱ्हाडीने मारहाण करणारा व्यक्ती, यास ताब्यात घेतलं। त्याचं नाव रूपचंद चंद्रवंशी आहे। तो राहणारा हिंगना रोड पंचशील नगर येथील आहे आणि ज्याला मारहाण केली कुऱ्हाडीने त्याचं नाव पंकज घोडिंदे म्हणून आहे। या दोघांची जुनी ओळख आहे। नेहमी ह्या परिसरात हे सकाळ संध्याकाळ दारू पीत असतात। तर जुनं दारूच्या नशेमध्ये शिवीगाळ वगैरे झाली होती दोघांची। तर या गोष्टीचा राग धरून रूपचंद चंद्रवंशी याने कुऱ्हाडी तसेच इतर कोणत्या तरी धारदार शस्त्राने पंकज घोडिंदे यास त्याच्या कपाळावर तसेच डोक्यावर ठिकठिकाणी वार करून जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने त्यास गंभीर दुखापती केलेले आहेत। सदर बाबत जो जख्मी आहे पंकज हा मेयो हॉस्पिटल येथे ॲडमिट आहे। तो सध्या अनकॉन्शियस असल्याने त्याची आई जी आहे सुनीता गुडिंदे यांच्या तक्रारीवरून आयपीसी कलम 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। जो मारहाण करणारा व्यक्ती आहे रूपचंद चंद्रवंशी यास ताब्यात घेतलेला आहे। त्याच्याकडे सखोल चौकशी चालू आहे। चौकशीनंतर त्याच्यावर पुढील कारवाई करण्यात येईल। मामले की एक कड़ी ये भी है कि जब यह घटना हो रही थी तब बाकी लोग तमाशचीन की तरह तमाशा देख रहे थे और सोशल मीडिया के क्रेज में वीडियो बनाकर शेयर करने की होड़ में थे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि लोगों को केवल वीडियो बनाने में ही दिलचस्पी है, न कि व्यक्ति को बचाने में। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।